अगर कोई औरत शादी के 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा करे तो उस बच्चे का क्या हुक्म है? सुन लीजिए, हमारे और आपके सामने भी ऐसे किस्से आ सकते हैं। अगर आपके इलाके में किसी लड़की की शादी हो जाए और 6 महीने के बाद अगर उसके बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का क्या हुक्म होगा? सुनो कि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो क्या हुक्म है उसका। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि वो औरत बदचलन है। शादी के बाद 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए, 6 महीने में कैसे हो जाएगा? कहने लगे आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है और 6 महीने के बाद आज ही मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया है। समझ रहे ना आप उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है? वो ये पूछना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बच्चे को जायज बच्चा मानूं या ना जायज? ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी का कहीं पहले कोई कांटेक्ट रहा हो और जिना की पैदावार हो और ये मेरा बच्चे का नाम पा जाए। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो औरत बदचलन है तुम्हारी, लिहाजा उसने 6 महीने में जो बच्चा पैदा कर दिया वो गलत किया है। ये जुमेरात का दिन था, जुमेरात का दिन जानते ना, गुरुवार थर्सडे था। जुमे का खुतबा जब उस्मान गनी देने लगे तो वो आदमी सामने बैठा हुआ था जिसकी बीवी ने 6 महीने के बाद बच्चा पैदा किया, वो बैठा हुआ है। हजरत उस्मान खुतबा देते देते कहने लगे, लोगों, इसकी बीवी ने कल एक बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। शादी के 6 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, इसकी बीवी ने शादी के 6 महीने के बाद ही बच्चा पैदा कर दिया है, लिहाजा अगले जुमे को इसकी बीवी को लाया जाएगा और जमीन पे सीने के बराबर गाड़कर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको जिनाकार मानते हुए उसकी जान ले ली जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हुक्म भी दे दिया। जुमे का खुतबा खत्म, जबकि उस्मान गनी का फैसला गलत था। अब सुनिए गलत कैसे था। जब जुमे का खुतबा खत्म हो गया, हजरत उस्मान ने नमाज पढ़ा दी, उसी मस्जिद में हजरत अली भी बैठे हुए थे। जब जुमे की नमाज खत्म हो गई तो हजरत अली ने लोगों से कहा, थोड़ी देर आप सब बैठें, हजरत उस्मान ने एक मसला गलत बता दिया है। तमाम लोग बैठ गए कि देखे हजरत अली क्या दलील पेश करते हैं, एक औरत के कत्ल का हुक्म दिया जा चुका है, देखे हजरत अली क्या उस औरत को कैसे बचाते हैं, देखे उस औरत को कैसे बचाते हैं। हजरत उस्मान कहते हैं, आय अली कहिए। कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने ये मसला गलत बताया है कि कोई औरत 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा नाजायज है। हजरत उस्मान कहते हैं, 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं हुआ? हजरत अली ने कहा, नहीं, आज तक किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया? हजरत अली ने की कहा कि वो मेरा मामला नहीं है और उसका इल्म मुझे नहीं है, किया कि नहीं किया वो मैं नहीं जानता। क्या अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में कोई बच्चा पैदा किया? हजरत अली मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कहा, जब इसका इल्म नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? कहा, कैसे, मैं इसलिए रहा हूं कि 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हो अल्लाह के नबी के जमाने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया? तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को जायज माना? तुम ये भी कह रहे हो कि आज तक किसी औरत ने 6 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं किया? फिर तुम ये कह रहे हो कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो जायज? क्या दलील है? क्या अल्लाह के रसूल से कोई हदीस है? हजरत अली कहते हैं, हदीस की जरूरत नहीं है, कुरान में मसला मौजूद है। कुरान कहता है 6 महीने के बाद भी अगर औरत बच्चा पैदा कर दे तो बच्चे को जायज माना जाएगा। हजरत उस्मान कहते हैं, क्या कुरान में लिखा है? ये कुरान जो रोज मैं पढ़ता हूं। हजरत अली कहते हैं, आप पढ़ते हैं लेकिन शायद गौर नहीं कर सके। हजरत उस्मान ने कहा, लोगो दलील मांगो अली से। हजरत अली ने कहा, दलील सुनो।
अब दलील सुनिए और सुनो, गीत बहुत सुन चुके हो, गाने बहुत सुन चुके हो, इधर उधर की लफाजियां बहुत सुन चुके हो, जलसा मैं चंदा लिया है कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे कि जलसा होगा, कुरान हदीस की बातें होंगी। अब जब कुरान हदीस सुनाई जा रही है तो सुनकर इस जलसे को हलाल करो, वरना यहां बैठना भी आपका हलाल नहीं होगा। सुनो, हजरत अली दलील दे रहे हैं, दलील क्या दलील? हाय उस्मान, अल्लाह ताला फरमाता कुरान में, वल वालिदातु युर्ज़िना औलादहुन्न हौलैन कामिलैन। अभी जो कह रहा था ना हालात के ऊपर बोलो, उससे पूछो कुरान की कौन सी आयत है किस बारे में, तो नहीं बता पाएगा। वल वालिदातु युर्ज़िना औलादहुन्न हौलैन कामिलैन। तर्जुमा सुनिए, मीनिंग सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए। माए अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कितने साल दूध पिलाएं मां? 2 साल। 1 साल में कितना महीना होता है? 12। 2 साल में कितना हुआ? 24। मां अपने बच्चे को कितना दूध पिला सकती है? 24 महीना, 2 साल। कामिलैन मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, यानी 2 साल तक पिला सकती है, 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा नहीं। पहले छुड़ा सकती है, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद 1 दिन भी ज्यादा पिलाने की इजाजत नहीं है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में और दलील क्या दे रहे हजरत अली? मां अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल। ये दलील है, ये दलील है। अब सुनिए हजरत उस्मान क्या कहते हैं हंसते हुए, अली ये तो दूध पिलाने की इद्दत बता रहे हो, दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो कि दूध पिलाएं 2 साल तक। यहां दूध पिलाने पे एतराज नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया कि 2 साल तक दूध ना पिलाएं। बात यह है कि 2 साल, बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हो जाए फौरन तो वो बच्चा जाए, उसकी दलील दो। हजरत अली कहते हैं वहीं आपको ला रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि दूध पीने की मुद्दत कितनी है? 2 साल, 24 महीने। मान रहे ना कि हाँ, कौन मना करेगा, कुरान की आयत 24 महीना दूध पीने के है ना, कहा। अच्छा चलो दूसरी दलील ले लो, खा दो जल्दी दो, 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाओ जाए, जल्दी दो दलील। हजरत अली ने दलील पलट दी, बस कुरान की दूसरी आयत पेश कर दी, मां अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली जगह क्या था? पिलाएं 2 साल तक, दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है, इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है ना। 2 साल तक पिलाओ या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, दोनों सूरतों में बात एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। कहा हम आपको मजबूत कर रहे हैं ताकि आप पलट ना जाएं। 2 साल मान रहे ना? हाँ। 24 महीने मान रहे ना? हाँ। ये किसकी इद्दत है, मुद्दत है? दूध पिलाने की, दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है ना? हाँ। अब सुनो तीसरी दलील, जिसमें अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने की दोनों की गिनती को और मुद्दत को एक साथ बयान कर दिया है। कुरान में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वह हमलू, हमल देखिए, वह हमलू वफिसालू सलासून शहरन, वह हमलू वफिसालू, औरत के हमल की, औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। कितना? सलासून शहरन, कितना महीना? 30, 10, 20, 30, कितना हुआ? 30 महीना। आए उस्मान 30 महीना किसकी मुद्दत है? हजरत उस्मान कहते हैं हमल की और दूध छुड़ाने की। कमानते हो ना, दोनों की मुद्दत कितनी है? 30 महीना।
30 महीने में 24 महीने आप अलग कर दो दूध छुड़ाने के या दूध पिलाने के, ये दोनों की मुद्दत है ना 30, और अल्लाह दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने बता चुका है, यानी 24 महीने तक बच्चा दूध पी सकता है। तो 24 महीने 30 में से आप माइनस कर देंगे, 30 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचा? हजरत उस्मान कहते हैं 6 का वहां लू, यही हमल की मुद्दत है, यही हमल की अकल मुद्दत है, यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा। 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा करती है औरत तो वो बच्चा नाजायज माना जाएगा, वो बच्चा हराम माना जाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर कभी भी बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा